हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों एमएस एक्सेल के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ एमएस एक्सेल का फादर कौन है। तो दोस्तों ये जो बी ऑप्शन है चार्ल्स सिमोन है, इन्हें फादर ऑफ एमएस एक्सेल बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्सटेंशन फाइल ऑफ एक्सेल 2004। दोस्तों जब भी बात होगी 2007 से पहले की तो हम एक्सटेंशन फाइल कौन सी लेंगे, .xlx। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रख लेना है। लेकिन जब 2007 के बाद की बात आएगी तो हम लेंगे .xls और .x। ये दोस्तों आपको बात याद रख लेनी है। 2007 से पहले की बात होगी तो .xls, और जब बात होगी 2007 से बाद की तो साथ में x एक और लग जाएगी दोस्तों, ये आपको बात याद रख लेनी है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल। दोस्तों वर्कशीट में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हमारे पास होता है सेल। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगी। सेल इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल को दोस्तों हम बॉक्स भी बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगी। सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है, सेल, जिसे हम बॉक्स भी बोल सकते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन एक्सेल। दोस्तों हम एक्सेल में 148,576 रो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है इसकी मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होती। अब बात आएगी मैक्सिमम कॉलम। दोस्तों एक्सेल में मैक्सिमम कॉलम होते हैं 16,384। ठीक है दोस्तों, हम इतने इसमें एक्सेल में कॉलम यूज़ कर सकते हैं। ये मैक्सिमम कॉलम है, ये मैक्सिमम रो है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात याद रख लेनी है। विच टैब इन एक्सेल यूज फॉर प्रूफिंग प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप ए स्प्रेडशीट। दोस्तों प्रूफिंग और प्रोटेक्टिंग की बात होगी तो हम करेंगे रिव्यू टैब से इसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी रिव्यू टैब की बात आएगी तो प्रूफिंग प्रोटेक्टिंग और मार्किंग हम कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, रिव्यू में जाके। व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। दोस्तों मैंने क्या बोला, 2010 के बाद जो भी आएंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, .xls, और उसके साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। और 2007 के जब भी नीचे आएगा तो हमारे पास ये रहेगी xls ओनली। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रख लेना है। विच फंक्शन यूज टू परफॉर्म काउंटिंग इन एक्सेल। काउंट, काउंट इफ, काउंट सम, काउंटिंग। तो दोस्तों आपको याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काउंट। ठीक है दोस्तों, जब भी काउंटिंग की बात आएगी हम काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड द वैल्यू इन रेंज इन एक्सेल। दोस्तों ऐड द वैल्यू इन रेंज ऑफ एक्सेल, ऐड की बात आएगी तो आप ऐड मत लगा देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सम फंक्शन यूज होता है वैल्यू को ऐड करने के लिए, ऑप्शन बी हमारे पास हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रख लेना है। विच सिंबल इज यूज टू एग्जीक्यूट फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। दोस्तों एमएस एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इक्वल टू से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जीक्यूट कैसे होगा, इक्वल टू से होगा, ऑप्शन ए। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन रेंज। दोस्तों जब भी हमें बिगेस्ट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन डी यूज़ करेंगे, मैक्स, मैक्स फंक्शन का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारे पास हो जाएगी, मैक्स फंक्शन का यूज़ होता है बिगेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेट एंड टाइम फंक्शन। दोस्तों इनमें से डेट एंड टाइम फंक्शन कौन सा है, तो हमारे पास हो जाएगी ऑप्शन सी। जब भी डेट एंड टाइम की फंक्शन की बात होगी तो हमें पता है नाउ डेट एंड टाइम का फंक्शन है। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड मिडिल नंबर इन रेंज। दोस्तों हमें कोई रेंज दे रखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने तक मर्जी दी हो। ठीक है दोस्तों, जब भी मिडिल नंबर फाइंड करना है तो हमें क्या फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, मीडियन। ये आपको बात याद रखना है, मीडियन फंक्शन आपको यूज़ करके मिडिल नंबर फाइंड कर सकते हो। टैब की यूज इन एक्सेल टू परफॉर्म। दोस्तों हम टैब की से क्या कर सकते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा सकते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाएंगे जब भी टैब दबाएंगे, टू मूव पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, ऑप्शन बी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास विच फंक्शन की यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। दोस्तों जब भी हमें गो टू बॉक्स ओपन करना है, गो टू, तो हमें कौन सी की दबानी पड़ेगी, F5, ऑप्शन बी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन। दोस्तों इनमें से नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन की जब बात होगी तो हमारे पास आ जाएगा नाउ। नाउ हमारे पास एक नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है। विच की इज यूज टू मेक मल्टीपल लाइन इन सिंगल कॉलम। दोस्तों हम सिंगल कॉलम में मल्टीपल लाइन चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोस्तों हमें Alt प्लस एंटर की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे हम एक कॉलम में मल्टीपल लाइन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, Alt प्लस एंटर की आपको याद रख लेना है। मिनिमम जूम साइज इन एक्सेल। दोस्तों हम एमएस एक्सेल में मिनिमम जूम कर सकते हैं 10% और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, 400%। ये बात आपको याद रख लेना है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी, मिनिमम जूम हम 10% यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम हम कर सकते हैं 400%, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज इन एक्सेल। दोस्तों एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज दिया होता है 11 पॉइंट, पी से होता है पॉइंट। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज़ हाईएस्ट फ़ॉन्ट साइज इन एक्सेल। हाईएस्ट फ़ॉन्ट साइज होता है दोस्तों 1638, ये हाईएस्ट फ़ॉन्ट साइज होता है, आप इतना जो इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपका फ़ॉन्ट साइज नहीं बन सकता। व्हाट इज स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज इन एक्सेल। एक्सेल में स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज क्या होगा, दोस्तों ये आपको बात याद रख लेना, ओनली 1 पॉइंट, ऑप्शन हो जाएगी ए। इससे छोटा आप स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज है, इससे छोटा कोई है ही नहीं। व्हाट इज शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल इन एक्सेल।
दोस्तों एक्सेल में आप कोई फाइल सेव करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा फाइल को सेव करने के लिए। इन एम एस एक्सेल विच फंक्शन टेक ईयर मंथ एंड डेट वैल्यू एंड डिस्प्ले गिवन डेट। दोस्तों ये ए ऑप्शन है ना डेट, ये फंक्शन क्या करता है ईयर मंथ एंड डेट के रूप में वैल्यू को लेता है और डिस्प्ले क्या कर देता है डेट, ये बात आपको याद रख लेना है। इन एम एस एक्सेल विच फंक्शन टेक ए डाटा वैल्यू एंड रिटर्न डे ऑफ मंथ, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगी, ये हमें डे रिटर्न करेगा, कोई भी जब डेट लेगा तो डे हमें रिटर्न करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एम एस एक्सेल। दोस्तों एम एस एक्सेल में हम नंबर भी यूज़ करते हैं, करेक्टर भी यूज़ करते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन भी यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये लेबल हो जाएगा ऑप्शन सी, ये डाटा टाइप हम यूज़ नहीं करते, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विच टैब इज़ यूज टू क्रिएटिंग फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ए स्प्रेडशीट। तो दोस्तों हम क्रिएटिंग एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कहाँ पे कर सकते हैं, होम टैब में जाके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज डेवलप इन विच ईयर। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस साल डेवलप हुआ था ये आपको याद रख लेना है, 1985। ठीक है दोस्तों, द इंट्रैक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन एक्सेल। जब दोस्तों रो एंड कॉलम मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है सेल, ये बात आपको याद रख लेनी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।